तो हे गाइस, बहुत सब स्वागत करता हूँ आप सभी का आप सभी के चैनल फिट मांझी व्लॉग्स पे। दूसरे लड़के की शादी हो रही है, अबे नाइट आउट चल रहा है हमारा पुल तो, बट फाइनली गाड़ी को कुछ हुआ नहीं। तो भैया आज का सीन ये है, जैसे कि आपने पहले देखा था कि हम गाँव से आ गए हैं दिल्ली में। अभी मैं एक शूट करके आया हूँ, मैं और जतिन, और आगे चल रहा है नितिन। तो फिर हमें भाई भूख लगाई, तो अभी हम जा रहे हैं बर्गर किंग, बर्गर खाएंगे। हाँ भाई दूल्हे राजा, कैसा है, कब बर्गर आ रहा है बाजा? एक्साइटेड है शादी के लिए? बहुत ज्यादा भाई। अभी ना ऐसे सीन चल रहा है, कभी यहाँ जाना हो रहा है, कभी वहाँ जाना हो रहा है। अभी भी आप खा के फिर पापा आएंगे, फिर कहाँ जा रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हमने ऑर्डर तो दे दिया है, तो पापा बाहर खड़े हुए थे क्योंकि मुझे और पापा को कहीं जाना है। तो पापा को मैंने बोला अंदर ही आ जाओ, खा नहीं रहे तो कोई बात नहीं। बोला मैं नहीं खाता तुम्हारे तरह बाहर का इतना सारा। कितना बाहर का खाते हो वे, कितना बाहर का खाते हो तुम दोनों? जिम कर देना शुरू तो खाना पड़ेगा। अभी पापा से पूछे पापा खा क्यों नहीं रहे, बोल रहे कि नहीं मेरा मन नहीं कर रहा। क्या खा के होगा, कुछ नहीं भटूरे। वाह वाह। तो भाई फाइनली आ गया, बहुत तेज भूख लग रही है क्योंकि 3-4 घंटे हो गए हमें कुछ भी नहीं खाया है। तो अभी थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं। पापा कहाँ जा रहे हो, हम कहाँ लेके जा रहे हो? अब चल रहे हैं नितिन की शादी, जहाँ होगी ना। हाँ लोकेशन देखने, तो आपको अब लोकेशन दिखाएंगे कि शादी मेनली होगी कहाँ पे। मणि जी तो गाइस ताऊ जी आ गए हैं यहाँ पे, तो ये हमें समझा रहे हैं कैसे कैसे बारात आएगी, कहाँ से आएगी, कैसे होगी, कहाँ पे पीछे मंदिर है, सही मंदिर है, मंदिर का बता रहे हैं, मंदिर के अंदर जा रहे हैं। तो भाई ये जो स्पेस होगा यहाँ पे शादी होगी, मतलब मेन फेरे वगैरह होंगे। और गाइस ये है मेन लोकेशन जहाँ पे टेंट वेंट लगेगा, बहुत बड़ी आगे तक है, तो यहाँ पे लगेगा मेन टेंट। हमारे साइड क्या होता है, हमें गांव के लोग तो हम ना पूरा गांव के रीति रिवाज के हिसाब से शादी करते हैं। जैसे मेरी हुई थी, मेरा सीन थोड़ा सा लगता है क्योंकि उस टाइम कोरोना चल रहा था बहुत ही ज़बरदस्त, तो हमने बैंक्वेट करके किया था। बाकी हम टेंट वेंट लगा के अच्छी तरीके से करते हैं। बाकी इस बार आप बने रहना, अच्छे से डेली ब्लॉगिंग आएंगी एंड सब कुछ आपको दिखाऊंगा कि हमारे क्या क्या रीति रिवाज होते हैं, हर चीज़ मैं आप में कवर करूंगा। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए। तो भाई अभी हमने देख वेख लिया कहाँ पे कैसे करना है, क्योंकि जब बारात आएगी ना तो रास्ता हमें पता होना चाहिए कैसे कहाँ से जाना है। तो इसलिए फिर हमें आज सब कुछ हमने देख लिया कैसे कहाँ पे क्या क्या चीज़ें होंगी। और पिताजी कैसा लग रहा है, दूसरे लड़के की शादी हो रही है अब? तो भाई अब घर आ गए थे तो जतिन लगा हुआ था काम पे, तो यार जतिन ने बोला भैया थोड़ी दाढ़ी वाड़ी सेट करा लो, बड़ी 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 हो गई है। मैं चलो फिर हम दोनों चलेंगे, क्योंकि मेरा अकेला मन नहीं लगता यार वहाँ पे, मेरा ही मन नहीं करता अकेले जाने का। तो भाई ना जतिन सही बोला था, दाढ़ी ना बहुत बड़ी बड़ी होगी और बाल भी देखो कितने बड़े बड़े हो गए। तो थोड़ा सा सेट कराते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि तुम्हारा भाई फिर से स्मार्ट हो गया। तो गाइस कटिंग कराते सीधा आए हम अपने डाइट लेने, क्योंकि ओट्स खत्म हो गए थे, तो मैंने सोचा अब ओट्स ले लेता हूँ और घर पे जाके दिखाऊंगा कैसे दिख रहा हूँ ना। अभी रहने दो, सस्पेंस। पर इसमें भी क्या ही सस्पेंस है। तो गाइस कुछ ऐसा तुम्हारा भाई दिख रहा है, तो छोटे छोटे बाल करा लिए, दाढ़ी भी मैंने सेट करा ली और D10 मैंने करा लिया, क्योंकि यार बहुत ज्यादा बाहर आना जाना ये वो चला हुआ था, तो बहुत ज्यादा डस्ट हो गया था मुंह पे, तो वो डस्ट हटाने के लिए मैंने D10 भी करा लिया। अब थोड़ी स्किन भी अच्छी हो रही है, बाकी आप कमेंट सेक्शन में बता दो। तो भाई अभी इतनी ठंड हो रही है ना, मैं तो बिल्कुल यहाँ पे हीटर चला के बैठा हुआ हूँ। तो गाइस जतिन है ना, काफी टाइम से भी काम पे लगा पड़ा है, क्योंकि भाई ये गाना में दे रहा था तो इस वजह से हम लगे पड़े हैं, तो टाइम यहाँ पे 9 बजने वाले हैं। तो भाई ये थोड़ा सा रह गया, ये करते ही फिर हम जाएंगे बाहर थोड़ा सा खाने पीने, बड़े दिन हो गए मतलब ढंग से नहीं खाया, वैसे तो चीटी चल रही है बट कोई बात नहीं। बालू तो इससे मैं मिला नहीं भाई, मैं सुबह से नहीं मिला, तो मिलने आ गया मेरे बच्चे भी। आओ जो मेरे बेटो, चल रहा है क्या, इतनी देर होगी चल रहे, तेरे को फोन मिला रहे घंटे से यार, इतनी ठंड। अच्छा शॉर्ट बनवाई है कि नहीं बनवाई है? तो भाई हमारे इसके बिना तो भाई सर्दी रुकती नहीं है, सही बताऊं तो कमल में तो मजा ही ना आते, मजा ठंड और लगती है। मेरे को भी निकालनी, मैंने वो ही निकाल रखी है, सही है। हाँ हम भी कम्बल ले रहे हैं, सुबह सुबह जितना सर्दी लग रही है ना बहुत ज्यादा। वाह ये सही है, अपना बढ़िया हो गया भाई, बिजली खर्चा अच्छा हीटर लगाते हैं तो। और फिर दूसरे यार उसमें थोड़ा सा हाँ ऑक्सीजन भी खत्म करती है ना वो रूम की, ये सबसे बढ़िया है, गर्म सबसे बढ़िया गर्म करने के लिए सबसे बढ़िया सोड देसी चीज। आज हम देखा है वो जगह, देखा है जित मणिया की बारात जाओगी, टेंट वेंट जित लागे को, मंदिर वंदिर है बहुत जगह है, 150-200 गाड़ी का हो तो आराम से आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ये तो बिल्कुल ही देसी लग रहा है, गली का लग रहा है, इसका पट्टा निकलने के बाद तो रोटी खा ले भाई। मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा बाहर मणिया के साथ और जितिन वतिन के साथ, ठीक है थोड़ी देर में आता हूँ मैं भाई। ठीक है भाई, हम आपको फोन करना वो तो आ जाते हैं, आपको फोन पूछने की और हमें करने की। ऐसा मैं 100 साल का हो जाऊंगा, तू 80 का हो जाएगा तो ही पूछूंगा, ठीक है डन। 20 साल का डिफरेंस ज्यादा नहीं। अच्छा
तो गाइस अब हम आ गए हैं गाड़ी में, अभी हम जा रहे हैं थोड़ा सा चिकन चंगेजी खाने। मैं हूँ जतिन और पीछे दो बंदे हो रहे हैं जो कि दोनों नहीं खाने वाले, तो मैं और जतिन ही खाने वाले। वो सीन याद है तेरे को जब हम जा रहे थे वहाँ पे ऋषिकेश थे, डीजल डाल दिया था, मतलब पूरी भर दिया था वो। पूरा भर दिया था तो भाई उस टाइम क्या हुआ था, उस टाइम ना पूरा डीजल ही भर दिया था, इतना पंगा हो गया था ना, इतना दिमाग खराब हुआ था, बट फाइनली गाड़ी को कुछ हुआ नहीं। तो भैया मेन आ गए हैं यहाँ पे खाने, तो मैं सिर्फ ग्रेवी ग्रेवी खाता हूँ, जैसे कि आपको पता है कि वो नहीं खाता हूँ, सिर्फ ग्रेवी खाता हूँ। एंड यहाँ पे दोनों नहीं खाएंगे, मुँह देख रहे हमारा। वेज कैसा था यहाँ का, मजा नहीं आया? तो भाई अभी ना हमें मीठे खाने का बहुत ज्यादा मन था, तो अभी हम रुके यहाँ पे, हमें यही दिखा मीठे के नाम पे और कुछ मिल ही नहीं रहा, दूर दूर तक देख लिया सब बंद हो गया, क्योंकि यहाँ पे 11:30 बज चुके तो सब बंद हो चुके। क्या खाएगा भाई बता, कुछ भी ले लो भाई। बढ़िया क्या है इसमें से? ये सही लग रही मीठी मीठी है ना। बोलते भैया ने तो लाइट बंद कर दी। चलो कोई नहीं, ये भाई ये वाली मिठाई दे देना। अभी ये वाली खाए ना, ये बड़ी अच्छी लग रही थी, और ये करवाई एक पाव। हाँ मीठे है ना, जैसे देखने में लग रही है ना, बहुत ज्यादा टेस्टी है ना, अच्छी है, प्यारी 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 है। भैया भी हजरे प्यारी बोल रहे हैं। तो भाई ले लिया है, 3-4 चीजें ले ली है, अब आराम से बैठ के अपनी गाड़ी में खाएंगे। मेट्रो भी बंद होगी तो पहले अभी हम जतिन को छोड़ने जाएंगे, बातें करते करते जाएंगे, बातें करते करते आ जाएंगे और खाते खाते चले जाएंगे। क्यों भाई बावजूद बता रहा हूँ, उनसे आपके कहते हैं लेफ्ट लेना, ठीक है ठीक है, फिर वहाँ से एक साई बाबा मंदिर आएगा, उधर से राइट हो जाना, सीधा सीधा सीधा, या फिर उधर से सीधा निकलोगे वही वाला रास्ता आ जाएगा। चलो ठीक है, मैप डाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, समझ नहीं आया मेरे को, ठीक है बाकी कल मिलते हैं। तो भाई अभी जतिन को छोड़ते हैं तो दोबारा वो मंदिर और वो जो लोकेशन है वो नितिन बोला था मेरे को दिखानी है, हैं पार्क सामने है, देख सामने ही है, तो बोला मेरे को भी दिखा दे कहाँ पे, तो मैंने चल दिखा देता हूँ तेरे को। हाँ भाई देख लिया, हाँ देख लिया यार, सही है, मिल गया सुकून। तो भाई फिलहाल 1 बज चुका है और अब पहुंचे हम जाके घर पे, अब समय आ गया है सोने का, तो अभी सोते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, होपफुली आपको व्लॉग में मजा आ रहा होगा, मजा आ रहा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, सो बाय।